नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। उत्तराखंड परिक्रमा में आज सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जिसको लेकर अब हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि फौरन जोशीमठ का रुख करें और वहां पर लोगों को हर तरीके से राहत पहुंचाई जाए। इस खबर को देखिए। बहुत ही विभत्स स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है। लोगों को अपना घर छोड़ करके किसी रिश्तेदार के यहाँ अथवा सड़क के ऊपर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। जोशीमठ में भूदशाओं से वहां लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। काफी संख्या में मकानों में दरारें आने की बात कही जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मसले के निदान के लिए पहल शुरू कर दी गई है। फिलहाल के हालातों में वहां पर रह रहे लोगों की घबराहट को समझा जा सकता है। सरकार भी लोगों की इस घबराहट का अंदाजा लगा चुकी है, तभी तो मुख्यमंत्री धामी स्वयं इस मामले को लेकर आला अधिकारियों से आज बैठक कर रहे हैं। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कुमाऊं हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मैं वहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि जाना भी जरूरी है, उसके साथ साथ जो हमारे व्यवस्थाएं हैं वह व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित हों, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। दामी सरकार ने मामले को लेकर मुखरता दिखाते हुए आला अधिकारियों को मौके पर भेजकर हर संभावित कदम उठाने को कहा। फिलहाल जोशीमठ पहुंचे अधिकारियों की टीम वहां भूदशाओं की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। मडी वाटर निकल रहा, पानी के साथ जो मिट्टी भी निकल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धसा बढ़ने की आशंका है। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, GSI है, IIT रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे। फिर क्या किया जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ को स्टेबल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है, सीवर सिस्टम को ठीक करना है, नीचे जो टो इरोजन हो रहा है इसके कारण नीचे जा रहा है पूरा, उसको रोक सकते हैं। जो वाटर सिस्टम है यहाँ का अंदर का, उसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को हमने बुलाया है, उनसे समझेंगे कि किस तरह का वाटर चैनल है अंदर में, उसको किस तरह से हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। वहीं जोशीमठ में भूदशाओं की समस्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने BRO के अंतर्गत निर्मित हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, NTPC तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य और नगरपालिका के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने NTPC और HCC कंपनियों को एहतियातन अग्रिम रूप से 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। करीब 50 तक के लोगों को अभी हम बाहर निकाले हैं। जैसा हमें रिपोर्ट मिली है 561 घरों में क्रैक्स काफी ज्यादा है, तो उसके संबंध में इवैक्यूएशन प्लान हम तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार। जोशीमठ में भूदशाओं की समस्या को लेकर प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। प्रभावित परिवारों को नगरपालिका, ब्लॉक, BKTC गेस्ट हाउस, GIC, गुरुद्वारा, इंटर कॉलेज सहित कई जगहों पर उनकी व्यवस्था की गई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र से 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें से 38 परिवारों को प्रशासन ने, जबकि 5 परिवार स्वयं सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए। भूदशाओं बढ़ने से खतरे की जद में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो। आज सचिव की टीम आई थी यहाँ और वो भूदशाओं को देखने, मतलब जिस हिसाब से घर की कंडीशन हो रही थी वो देखने आए थे, बट उन्होंने बोला कि आप नाइट शिफ्ट हो जाइए टूरिज्म में, बट इतना बड़ा घर और गाय बछड़े को छोड़ के हम वहाँ कैसे रहे, यही समस्या बन गई। राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, शौचालय और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां के पुलिस कप्तान इन दिनों गरीबों के लिए
एक मसीहा बने हुए हैं। जी हाँ, पुलिस कप्तान रात को गश्त के दौरान उन तमाम गरीब लोगों की सुध लेते हैं जिन गरीब लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। उनको गर्म कपड़ों से लेकर जैकेट और चाय और बिस्किट की व्यवस्था उनके लिए की जाती है ताकि ठंड से वो बच सके और उनका जीवन खुशहाल हो सके। देहरादून के पुलिस कप्तान ने देर रात कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भ्रमण किया। सबसे पहले 12 बजे वो घंटाघर पहुंचे जहां सड़क किनारे खुले में सो रहे गरीब असहाय व्यक्तियों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। मौके पर ही व्यक्तियों की जानकारी ली और सभी को जैकेट और कंबल बांटे गए। व्यक्तियों के लिए चाय और बिस्किट की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद एसएसपी द्वारा दर्शनी गेट, लाल पुल, आईएसबीटी, रिस्पना पुल, प्रेमनगर और आखिर में दून चौक पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सड़क किनारे सो रहे व्यक्तियों से मुलाकात कर उन्हें गर्म कंबल और जैकेट बांटे। सभी व्यक्तियों से बातचीत कर उन्हें पुलिस की ओर से हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील की कि गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने जनपद के सक्षम लोगों से गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक संगठनों की, जिन राजनीतिक संगठनों ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजधानी की डीएम से मुलाकात की और एक ज्ञापन राजधानी डीएम को सौंपा। राज्य में लोगों को बार बार बेघर करने की प्रक्रिया और खासतौर पर हल्द्वानी की वनभूलपुरा क्षेत्र में बन रही स्थिति पर राज्य के विपक्षी दलों और कई जन संगठनों की ओर से एक संयुक्त शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल में उत्तराखंड महिला मंच, चेतना आंदोलन, मजदूर यूनियन और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद रही। इस मसले पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वनभूलपुरा, जोशीमठ के भूस्खलन मसले और प्रदेश में लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने के मसले पर सरकार का उदासीन चेहरा सामने आ रहा है और इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे। अभी जुलाई महीने में आमवाला तरला में अचानक नगर निगम की टीम पहुंचती है और बुलडोजर चला देती है। रातों रात 21 परिवारों को बेघर कर दिया गया। तो हमने वहां पर उस रूल की, उस एक्शन की, संविधान के उस धारा की बात डीएम साहब के सामने रखी जहाँ एविक्शन का लॉ होता है, 30 डेज का नोटिस देना बनता है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, कोई भी अगर अवैध कब्जा भी है तो उसमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। रातों रात महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों के सर से छत नहीं छीन ली जाती है। तो वनभूलपुरा मामला, उसमें सरकार का उदासीन रवैया, उसके अलावा जोशीमठ और जो प्रदेश के अंदर एविक्शन की कार्रवाई लगातार चल रही है उसको लेकर हम यहाँ आज मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं हेलंग एकजुटता मंच की, जिसने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें वनभूल पूरा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जोशीमठ में लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, कुदरत की जो मार पड़ रही है, उससे लोगों को निजात मिल सके, इसी के चलते उन्होंने इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण को हटाने को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हेलंग एकजुटता मंच से जुड़े तमाम संगठनों ने आज अलग अलग जगहों पर ज्ञापन सौंपे। अल्मोड़ा में हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान उपपा अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से कब्जा कराने वाले अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर लोगों में भय पैदा कर उन्हें आतंकित करते हुए उनके सर से छत छीनी जा रही है। उन्होंने सरकार से लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर नीति बनाने और शहर में संपत्ति की सीमा तय की जाने की मांग की है। एक बड़ा मामला वनभूलपुरा का जो आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि रामनगर से लेकर, रुद्रपुर से लेकर, खटीमा से लेकर तराई और उत्तराखंड की तमाम जो क्षेत्र हैं वो नजूल ज़मीन पर हैं और नजूल ज़मीन ये सरकार का कैटेगराइजेशन है। एक और बड़े बड़े माफियाओं के पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं और दूसरी ओर आप जो हैं गरीबों को बिना पुनर्वास के हटा रहे हैं। तो वनभूल का जो पूरा का जो मामला है उसके आलोक में हम कहना चाहते हैं सरकार ये नीति बनाए उत्तराखंड के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को उस
तब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर छत नहीं है। हिमांशु लटवाल, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की, जो हरिद्वार से सांसद हैं। उन्होंने एक हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जितनी भी प्रतिभाएं उत्तराखंड में हैं, उन प्रतिभाओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने आए, ताकि प्रदेश और देश का नाम रोशन हो सके। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद में 3 दिवसीय उत्तराखंड राज्य स्तरीय आमंत्रण बालिका हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें 8 जनपदों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर सांसद ने खिलाड़ियों के लिए सांसद निधि से एक बस उपलब्ध कराने की बात की। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने हॉकी के क्षेत्र में प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। उन्होंने इस मौके पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में हॉकी में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने बालिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बालिकाएं हर क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान के तहत प्रतिभाओं को उभारने का अभियान चलाया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में ऐसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। में हमारी वंदना ने हमारा नाम ऊंचा किया है और हिंदुस्तान ने हॉकी में, मैं समझता हूँ कि मेजर ध्यानचंद तो पूरी दुनिया का जादूगर कहलाता था हॉकी में, और यदि देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड में भी हॉकी में हमारा बहुत सम्मान बढ़ाया है हमारे लोगों ने। वंदना जिस तरीके से उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरिद्वार का नाम ऊंचा किया है, आज इस उनकी माता जी भी यहाँ पर है, मुझे खुशी है, उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं मिलेट मिशन योजना की, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार भी अब चौकस हो चली है। उत्तराखंड सरकार का यही मानना है कि जो मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उसके एवज में उत्तराखंड में भी इस योजना में तेजी आए। झरना कामठान ने बताया कि प्रदेश के कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार संघ लिमिटेड के माध्यम से मिलेट मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य सहकारी संघ द्वारा जनपद देहरादून के कृषकों के उत्पाद मंडुआ, झंगोरा आदि फसलों का क्रय किया जा रहा है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए जनपद देहरादून में 4 क्रय केंद्रों पर मंडुआ और झंगोरे को विक्रय की सुविधा प्रदान की गई है। कृषक 4 केंद्र पर अपने उत्पादों को 31 जनवरी 2023 तक विक्रय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।